अस्सलाम वालेकुम। 2022 में आप अपना ओवरऑल यूट्यूब चैनल अपने पुराने ईमेल एड्रेस से आपने एक न्यू ईमेल एड्रेस पे अपना यूट्यूब चैनल आपने कैसे ट्रांसफर करना है, मतलब आपके यूट्यूब चैनल में जितनी वीडियोज है, जितनी व्यूज है, वॉच टाइम है, सब्सक्राइबर है, वो सारा डाटा आपके यूट्यूब चैनल के किसी भी डाटा में कोई मसला नहीं आएगा। और आप अपनी पुरानी ईमेल एड्रेस से जिस ईमेल एड्रेस पे आप अपना यूट्यूब चैनल लॉगिन करते हैं उससे आप अपना YouTube चैनल किसी न्यू ईमेल एड्रेस पे आपने कैसे ट्रांसफ़र करना है 2022 में, या अगर आपने किसी से YouTube चैनल ख़रीदा है तो उसका सारा डाटा, वो सारा YouTube चैनल व्यूज़, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर के साथ आपने अपनी ईमेल एड्रेस पे उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियोज़ बहुत मुफीद होने वाले हैं, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। आपको यहाँ पे अपने YouTube चैनल को न्यू ईमेल एड्रेस पर कन्वर्ट करने के लिए आपका YouTube चैनल ब्रांड अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि ब्रांड अकाउंट में ऐड एंड रिमूव का ऑप्शन होता है। और ऐड एंड रिमूव ऑप्शन में आप किसी ओल्ड ईमेल एड्रेस को न्यू ईमेल एड्रेस पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपना YouTube चैनल ब्रांड अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो इससे आपके YouTube चैनल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको अपने YouTube चैनल में जाना है और आपने अपने YouTube चैनल के आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे आइकन पे क्लिक करते हैं तो अगेन आपने यहाँ पे आइकन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद नीचे आपने स्विच अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने नीचे व्यू ऑल चैनल पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपकी जितनी भी चैनल्स है वो आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्रिएट अ चैनल पर क्लिक करना है। अब वो यहाँ पे ऐड चैनल नेम में आप कोई भी नाम आप यहाँ पे लिख ले, और नीचे आई अंडरस्टैंड इसको आपने चेक लगा देना है, और यहाँ से क्रिएट पर सिंपली क्लिक कर दें तो आपका यहाँ से ब्रांड अकाउंट यहाँ से बन जाएगा। अब वो यहाँ पे आपका एक न्यू चैनल यहाँ पे बन गया जिसकी 0 सब्सक्राइबर 0 वीडियोज़ है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अगेन अपने लोगो पे क्लिक करना है, अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने वो चैनल चूज़ कर देना है जिसमें आपकी सारी वीडियोज है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं अपने इस चैनल को यहाँ से जो है इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपने क्या करना है, वाइट स्टूडियो पर आपने क्लिक करना है सिंपली। अब यहाँ वाइट स्टूडियो में आपने सिंपली लेफ्ट साइड की सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपने चैनल पर क्लिक करना है, और राइट साइड पर आपने एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है यहाँ पर, और यहाँ पर मैनेज यूट्यूब अकाउंट पर आपने सिंपली क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ, और यहाँ पे मूव चैनल में मूव चैनल टू अ ब्रांड अकाउंट पे आपने सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपसे एक्सेस मांगे तो आप अपना पासवर्ड और अपनी OTP से लॉगिन करें। अब यहाँ पे आप चेक कर ले यूअर यूट्यूब चैनल बींग मूव्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका ये यूअर चैनल है, आपकी ये सारी यहाँ पे सब्सक्राइबर, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट सारी चीज़ें है, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे चेक कर ले चूज एन अकाउंट टू मूव दिस चैनल टू, यहाँ पे आपने वो नाम यहाँ पे चूज़ कर देना है जिस पर आप अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हो, उसको आप रिप्लेस करना चाहते हो। तो सिंपली आपने यहाँ पे राइट साइड पर आपने रिप्लेस पर क्लिक करना है, उसको आपने चूज़ करना है। जैसे ही आप रिप्लेस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिलीट दिस चैनल, ठीक है। तो ये वो ब्रांड अकाउंट है, अगर इसमें कोई वीडियोस, कोई सब्सक्राइबर है तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो कोई भी चीज़ नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है, आपने नीचे यहाँ पे चेक लगा देना है, और आई अंडरस्टैंड एंड विश टू प्रोसीड पर आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पर नीचे डिलीट चैनल का ऑप्शन आ जाएगा, वो आपने क्लिक करना है। अब वो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, अगर आप अपना YouTube चैनल मूव करोगे तो उससे जो है ना आपके सारे सब्सक्राइबर, वो सारी चीज़ें तो मूव हो जाएगा, ठीक है। आपके चैनल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपके आइकन्स, माइकन्स, आपकी YouTube चैनल के URL पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ है जो कि ट्रांसफ़र नहीं होंगे, उसमें से आपको जो कमेंट हुआ हो, ठीक है, वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। कुछ गिफ्ट सेटिंग है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। सो एग्री हो कि आपने नीचे मूव चैनल पर सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका यूट्यूब चैनल जो है ना मूव हो गया है, तो ये 10 मिनट तक टाइम ले सकता है। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपनी YouTube चैनल के लोगो पर क्लिक करना है, और आपने यहाँ से वो चैनल चूज़ करना है जिसमें आपके सारे सब्सक्राइबर और सब कुछ मूव हो चुके हैं, ठीक है। उस पर आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपने वाइट स्टूडियो पर क्लिक करना है तो आपको एक न्यू विंडो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपको एक न्यू वाइट स्टूडियो मिल गया। अब यहाँ पर आप इसके सारे सेटिंग आप यहाँ पर कर लें। अब यहाँ पे हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ पे ब्रांड अकाउंट तो बन गया है। अब परमिशन में जो है ना चेंज का ऑप्शन आ गया है कि नहीं आया, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना हम अब उसको चेंज कर सकते हैं। अब वो यहाँ पे अगेन आपको अपने ओल्ड यूट्यूब चैनल पर आना है, ठीक है, ओल्ड ईमेल पर आना है, और अपने यूट्यूब चैनल को आपने लॉगिन करना है, वाइट स्टूडियो में आना है, और यहाँ पे आपने सिंपली सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे परमिशन पे क्लिक करना है।
और उसके बाद यहाँ पे कीप मैनेजिंग परमिशन इन योर ब्रांड अकाउंट, ठीक है। तो नीचे आपने मैनेज परमिशंस पे क्लिक करना है। अब वो यहाँ पे ब्रांड अकाउंट डिटेल में आपने नीचे मैनेज परमिशंस पर क्लिक कर देना है। मैनेज परमिशन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ से परमिशन मांगनी है, आपने अपने पासवर्ड और OTP से लॉगिन कर देना है, ठीक है। जैसे ये ओपन हो जाता है, मैनेज परमिशंस की सेटिंग में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये आपका अकाउंट है, आप इसका प्राइमरी ओनर है, ठीक है। तो अभी जिस ईमेल पर आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है, जिसको आपने इसका ओनर बनाना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे ऊपर साइड पर प्लस के निशान पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली लिखना है जिस पे आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसको इनवाइट करें आप यहाँ से। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे चूज़ अ रूल पे क्लिक करना है और यहाँ से ओनर या मैनेजर पे आपने क्लिक करना है। तो आपने यहाँ से ओनर सेलेक्ट करना है और नीचे यहाँ पे डन पर क्लिक करना है। अब वो नेक्स्ट अगर आपको इनविटेशन ईमेल आता है यहाँ पे तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है, अगर नहीं आता तो फिर कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट काम आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यूट्यूब में आना है और यहाँ पे सिंपली आपने उसी ईमेल आईडी से आपने लॉगिन होना है, जिस न्यू ईमेल आईडी पे आप अपना यूट्यूब चैनल आपने कन्वर्ट कर दिया, उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो आपने अपनी न्यू यूट्यूब चैनल की आईडी से लॉगिन होना है, तो मैं उसी आईडी से लॉगिन होता हूँ अपनी न्यू आईडी से, और यहाँ से आप वो चैनल सेलेक्ट करें अगर आपके पास ज़्यादा चैनल है, ठीक है, तो आप अपनी YouTube चैनल को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से अगेन लोगो पे आपने क्लिक करना है और वाइट स्टूडियो पर सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगेन एक न्यू विंडो आ गया, आपको एक फ्रेश वाइट स्टूडियो मिल गया, आप नेक्स्ट करते जाइए और अगेन आपने यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज परमिशंस इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे मैनेज सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगेन ब्रांड अकाउंट डिटेल में आपने नीचे मैनेज परमिशंस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने सारे चैनल्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। ऊपर जो प्राइमरी ओनर है वो इसका ओरिजिनल ओनर है, ठीक है। ओरिजिनल मतलब प्राइमरी ओनर से ये मुराद होता है कि सारा जो है ना अथॉरिटी उसी के पास होता है। अब नीचे आपने क्या करना है, ये जो ओनर वाला आपको नज़र आ रहा है इसमें आपने यहाँ पे ड्रैग डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि इसी पे हमने ये यूट्यूब चैनल जो है ना कन्वर्ट की हुई है। तो ऊपर वाला जो प्राइमरी ओनर अभी नज़र आ रहा है उसको हमने ख़त्म करना है, उसको सबसे पहले ओनर बनाना है और नीचे वाले को प्राइमरी ओनर बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद हम एक को यहाँ से डिलीट कर लेंगे, पुराना वाला ईमेल हम उसको डिलीट करेंगे। तो आपने यहाँ नीचे वाले ओनर वाले की ड्रैग डाउन मेन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने प्राइमरी ओनर चूज़ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया कि आपका ये सारा जो डेटा है ये वाला अकाउंट जो है ना प्राइमरी ओनर बन रहा है और ये सारा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो आपने सिंपली नेक्स्ट ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये नीचे वाला मैसेज आ गया, ठीक है, ये 7 दिन में जो है ना ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब ये आपका जो ओनरशिप है ये जो है ना चेंज हो जाएगा 7 दिन में। तो हमें 7 दिन यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, 7 दिन के बाद हम इसको ओपन करते हैं। अब वो यहाँ पे हम पूरी 7 दिन के बाद आ चुके हैं और आपने अपनी न्यू ईमेल जो न्यू आईडी है उससे आपने अपना यूट्यूब चैनल लॉगिन करना है, सिंपली सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद नीचे आपने परमिशंस पर क्लिक करना है। जैसे आप परमिशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे परमिशन पर दिस यूट्यूब चैनल, तो आपने मैनेज परमिशन पर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ नीचे आपने मैनेज परमिशंस पर क्लिक करना है। अब वो यहाँ पे क्या करना है, आपने नीचे वाला जो ओनर है यहाँ पे आपने इस आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ आइकन पर क्लिक करने के बाद प्राइमरी ओनर इसको आपने चूज़ कर देना है, ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हैं तो इसकी जो ओनरशिप है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ऊपर वाला नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर चला गया और ये जो नीचे आ गया जो ओनर अभी बन गया। तो यहाँ से आपने क्रॉस के निशान पर क्लिक करना है और इसको आपने यहाँ से रिमूव करना है, इसको आपने ख़त्म कर देना है, ये यूज़र यहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसके बाद डन पर सिंपली आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये नीचे वाला यूज़र जो है ना वो रिमूव हो गया परमानेंटली, इस चैनल से वो डिलीट हो गया और सिर्फ वही न्यू ईमेल आईडी वाला जो है ना यहाँ पे प्राइमरी ओनर बन गया। अब अगर आप अपना पुराना यूट्यूब चैनल ओपन करोगे तो उस पर वो सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, उसका सब कुछ 0-0 हो गया। अब ये न्यू ईमेल आईडी पर आपका सारा सब कुछ ट्रांसफ़र हो गया। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह इंफॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए टेक्निक कर सकते कुछ ना कुछ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।